हाय एवरीवन मैं हूँ शिवांगी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लासी भवा किचन में लेके घूम रही हूँ मैं बनाना तो मुझे केक है ये क्या आर्टिस्ट बन के घूमा जा रहा है <laughs> तो गाइज आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं एक्चुअली मेरे पास अभी आया है पेंटिंग केक का ऑर्डर बहुत दिनों से मैं वेट भी कर रही थी इस ऑर्डर का और गाइज बहुत ज्यादा ट्रेंड में है आजकल जस्ट दैट आज हम ये वाला केक ना पेंटिंग केक इसे मशीन की हेल्प से नहीं बनाएंगे और कुछ ऐसे जुगाड़ से मैं आपको इसे बनाना बताऊंगी जिससे कि आप बड़ी आसानी से बना पाई है केक घर पे क्योंकि अगर पेंटिंग केक को बनाने का सही तरीका ना पता हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है इसको बनाना समझ हो जाता है मतलब बिगड़ जाता है पूरी तरीके से केक तो ऐसा कुछ नहीं होगा तो चलिए शुरू करते हैं पेंटिंग केक बनाना तो कई फटाफट सबसे पहले केक स्पॉन्ज बना लेते हैं तो इसके लिए मैंने यहाँ पे बेसिक वनीला केक प्रीमिक्स लिया हुआ है ढाई सौ ग्राम प्रीमिक्स है ये इसमें मैंने डाले हैं दो बड़ा चम्मच ऑयल और करीब तीन चौथाई कप वाटर तो सारी चीज़ों को मिक्स करके देखिए मैंने स्मूथ बैटर बना करके तैयार कर लिया है और साथ ही एक छः इंच के केक टिन में मैंने एको बेक डाला है जिससे कि हमारा केक बढ़िया तरीके से बेक हो और चिपके नहीं आसपास सारा बैटर ट्रांसफ़र कर लिया केक टिन में एवन को मैंने ऑलरेडी 160 डिग्री पे 10 मिनट के लिए प्रीहीट करके रखा था तो इसी में केक टिन रख करके करीब 40 मिनट्स के लिए मैंने केक को बेक कर लिया है तो ये देखिएगा इस परफेक्ट हमारा केक बन करके तैयार हो चुका है तो सबसे पहले हमने केक को अच्छे से ठंडा हो जाने दिया उसके बाद फ्रॉस्टिंग के लिए इसे तीन पार्ट्स में डिवाइड करके रख लिया है तो गई करीब एक कप एकदम ठंडी व्हिपिंग क्रीम मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ये देखिए स्टिफ पीक्स बनने तक व्हिप करके रख ली है और बस फटाफट हम केक को असेंबल कर लेंगे गाइस तो हम इसे अभी आज वाइट फॉरेस्ट का फ्लेवर देने वाले हैं तो इसके लिए देखिए सबसे पहले मैंने केक बोर्ड पे थोड़ी सी क्रीम लगाई है इस पे रख लिया है केक की पहली लेयर को इसको मॉइस्ट कर दिया है मीठे पानी से शुगर सिरप से और इस पे क्रीम की अच्छी सी लेयर लगाई फिर अच्छे अमाउंट में वाइट चॉकलेट मैंने इस पर डाल दी है जी हाँ फ्रेंड्स वाइट फॉरेस्ट केक का फ्लेवर इसी से आता है फिर केक की सेकेंड लेयर रखी जो कि एक्चुअली टॉप लेयर है इसको भी मॉइस्ट किया इस पर भी हमने क्रीम फैलाई इस पर भी वाइट चॉकलेट कंपाउंड चॉप करा हुआ डाला फाइनल लेयर जब मैंने इसकी रखी है तो सबसे पहले किनारे मैंने इसके अच्छे से सिक्योर किए हैं क्रीम से मॉइस्ट किया है केक के टॉप को और जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ाई वाला केक बोर्ड था इसलिए मैंने इसको छोटे केक बोर्ड पर ट्रांसफ़र किया है क्रीम हर तरीके से हर जगह पर अप्लाई कर ली है केक में और सबसे पहले केक के साइज़ को मैंने स्मूथ किया है केक स्क्रैपर की हेल्प से और उसके बाद केक के टॉप के एजेस को हमने स्पेशली सही से स्मूथ किया है मतलब शार्प किया है और केक टॉप को भी हमने स्मूथ कर लिया है साइड से, से सेंटर की तरफ़ लाते हुए केक की क्रीम को आपको तब तक बराबर करते रहना है जब तक आपके हिसाब से करीब करीब वो बराबर ना हो जाए और अगर स्पेशली टॉप पे अगर आपको लगे कि कहीं कहीं पे ऊपर नीचे हो रही क्रीम गड्ढे जैसे हैं तो वहाँ पे और एक्स्ट्रा क्रीम डाल करके फिल कीजिएगा द पॉइंट इज कि केक का टॉप जो है वो बराबर होना चाहिए सो so गाइज ये देखिए केक की फ्रॉस्टिंग होकर के रेडी हो चुकी है नाउ इंपॉर्टेंट स्टेप अभी आपको कम से कम एक घंटे के लिए अपने केक को फ्रिज में सेट करना है जी हाँ फ्रेंड्स तभी आप इस पर पे प्रॉपरली पेंटिंग कर पाएंगे अब केक की, की पेंटिंग जो है वो आप किससे करेंगे मतलब ये जो स्केच पेन है नेल पेंट है ड्राइंग वाले कलर्स हैं वाटर कलर इन सबसे तो कर नहीं सकते गाइज ये तो एडिबल होते नहीं हैं तो अभी कौन से टूल्स लेकर के आए जाएँ कौन से कलर्स लाए जाएँ तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा आसान तरीका जो होता है बिना मशीन के पेंटिंग केक को बनाने का या डिज़ाइन करने का वो होता है न्यूट्रल जेल की हेल्प से तो यहाँ पे देखिए मैंने न्यूट्रल जेल लिया हुआ है तो यहाँ पे मैंने दो दो बड़ा चम्मच न्यूट्रल जेल ले करके चार जगहों पे एक प्लेट में रख लिया है फिर गई मैंने न्यूट्रल जेल में ना थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला है और मिक्स कर लिया जिससे कि इसकी कंसिस्टेंसी स्प्रेड वाली हो जाए मतलब जिससे कि इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो जाए कि आपको इसे फैलाना आसान हो जाए अदरवाइज़ ये थोड़ा सा गाढ़ा होता है इसके बाद गई ये देखिए यहाँ पे मैंने ऑरेंज जेल फूड कलर लिया है और इसके एक ड्रॉप मैंने जेल पे डाला है न्यूट्रल जेल पे और उसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया तो जैसे कि आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर का जेल बन के तैयार हो गया है फिर कहीं मैंने येलो जेल फूड कलर लिया है दूसरे पोर्शन ऑफ न्यूट्रल जेल पे डाल के मिक्स किया तो ये देखिए येलो कलर का जेल तैयार हो गया तो फ्रेंड्स इन केस आपके पास में जेल के बजाय लिक्विड फूड कलर है तो आप उनका भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं तो ये देखिए साथ ही में मैंने इस तरीके की पेंटिंग ब्रशेस लिए हैं नॉर्मल गईज जो ब्रश आते हैं ना पेंटिंग करने के लिए वही मैंने ले लिए हैं और जब एक घंटा हो गया है तो ये देखिए मैंने केक भी फ्रिज से बाहर निकाल लिया है और अभी केक के एक साइड पे ये देखिए मैं एक नोजल रख ले रही हूँ गईज कोई भी नोजल रख लीजिएगा बेसिकली मुझे थोड़ी सी बड़े साइज़ की नोज़ल रखनी थी जिसका जो सर्कल है ना थोड़ा बड़ा हो आप चाहें तो कोई ढक्कन वगैरह भी रख सकते हैं अच्छा उसके बाद आपने शुरू करनी है ये पेंटिंग अब आपको ये पेंटिंग का सबसे पहले बेस देना है केक में और आपको हाथ अपने बिल्कुल हल्के रखने हैं तो सबसे पहले मैं ऑरेंज कलर के न्यूट्रल जेल से स्टार्ट कर रही हूँ तो सबसे पहले आपको केक के साइड्स पे किनारे किनारे पे देखिए बिल्कुल हल्के हाथों से न्यूट्रल जेल को अप्लाई करना है मतलब सबसे पहले आपको बॉर्डर देना है अनगाइज क्योंकि आप कोई मशीन वगैरह नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे मैनुअल ढंग से यानी कि ब्रश की स्ट्रोक की हेल्प से कर रहे हैं ये काम इसलिए आपको बहुत हल्के हाथों से क्रीम के ऊपर ऊपर इस तरीके की पेंटिंग करनी है आप बिल्कुल भी इस पर प्रेशर मत लगाएगा अदरवाइज क्या होगा कि क्रीम में न्यूट्रल जेल आपका ब्रश की हेल्प से मिक्स हो जाएगा और फिर ये पेंटिंग का इफेक्ट नहीं आएगा और इस केक के सर्कल के ऑलमोस्ट हाफ सर्कल में पेंटिंग कर लिया है इस न्यूट्रल जेल की और जैसे कि आप देख सकते हैं मैं बहुत ज़्यादा मतलब बराबर या इवन इसको बनाने पे ध्यान नहीं दे रही हूँ क्योंकि इसे नेचुरल जो पेंटिंग आप बनाते हो ना पेपर पे वैसा दिखना चाहिए इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ अभी गाइज जितना ये सेंटर का पोर्शन बचा है अब इस पर हमें अप्लाई करना है येलो कलर वाला न्यूट्रल जेल हमने येलो वाला न्यूट्रल जेल भी बनाया था ना गाइज तो उसको भी सर्कुलर मोशन में इस वाले पोर्शन में फिल कर लेना है ध्यान ये रखना है गाइज़ कि ना तो बहुत ज़्यादा आपको न्यूट्रल जल अप्लाई करना है ना ही बहुत कम अप्लाई करना है तो ये देखिए गाइज़ ऑरेंज के बाद मैंने येलो कलर की शेड दी है और मिलाते हुए दोनों को हम ले गए हैं तो गाइज़ एम श्योर अभी तक आप समझ गए होंगे कि सनसेट थीम का पेंटिंग केक आज हम बना रहे हैं यहाँ पे और ये देखिए जो दो जगह पे न्यूट्रल जल रखे हुए थे ना उनको अभी हम यूज़ करने वाले हैं तो एक पोर्शन पे मैंने डाला है चॉकलेट जेल फूड कलर का एक ड्रॉप मिक्स किया तो चॉकलेट कलर का न्यूट्रल जेल बन गया और दूसरे पे मैंने डाला है एक ड्रॉप ग्रीन जेल फूड कलर मिक्स किया तो ग्रीन न्यूट्रल जेल बन गया नाउ फ्रेंड्स फिर से मैंने आ, ये नॉर्मल पेंटिंग ब्रश लिया है और इसकी हेल्प से सबसे पहले चॉकलेट कलर के जेल से ये देखिए मैं एक पेड़ का स्टेम के जैसा बना रही हूँ जी हाँ फ्रेंड्स जैसे हम बचपन में पेंटिंग करते थे ना कि पेड़ों की टहनियाँ डालियाँ ब्राउन कलर से बनाते थे तो अभी ये ब्रांचेस यानी कि ये टहनियाँ बनने के बाद में जो ग्रीन कलर का जल आपने बनाया ना उस ग्रीन कलर के जल से आपको इन ब्रांचेस पे पत्तियाँ लगा देनी है जी हाँ फ्रेंड्स ग्रीन ग्रीन कलर की पत्तियों की शेप आपने दे देनी है इनको ताकि थोड़ा सा भरा भरा लगे ये वाला पेड़ और साथ ही गई अगर ये वाली रेसिपी और ये वाली वीडियो आपको पसंद आ रही है यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा इसको अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली से और क्लास ही और किचन को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा प्रेस कीजिएगा बेलाइक ऑन ताकि मेरे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहें और अभी चॉकलेट कलर की क्रीम से ही हम केक के बॉटम की तरफ बना देंगे ग्रास वाला इफेक्ट जैसे नॉर्मल ग्रास बनती है ना थोड़ी सी स्ट्रोक के जैसे आप लगा दीजिए और ये ग्रास के जैसा बन जाएगा ना फ्रेंड्स केक के बॉटम पे हमें देना है बॉर्डर ताकि ये हमारा केक कंप्लीट लगे तो जो भी टॉप पे हमने कलर्स यूज किया ना उनमें से किसी भी कलर की विप क्रीम आप आ, मतलब बना लीजिएगा विप क्रीम में नॉर्मल जेल फूड कलर ग्रीन कलर का ऐड करके मैंने इसको लीफ नोजल वाले पाइपिंग बैग में डाला है और उसके बाद ये देखिए बॉर्डर पे हम लीफ लीफ के जैसी बाहर निकलते हुए बना दे रहे हैं तो कई जो ये पेंटिंग केक होते हैं ना इनमें क्रीम से कोई डेकोरेशन नहीं होती है बॉर्डर के अलावा पेंटिंग केक का मतलब ये है कि पूरा पेंटिंग होगा और इसलिए अगर कम व्हिपिंग क्रीम वाला केक चाहिए आपके कस्टमर को तो आप ये वाला केक ट्राई कर सकते हैं बॉर्डर बनने के बाद कई जो हमने नोजल रखी थी उसको मैंने हटा लिया है तो लुक एट दिस गाइज एम श्योर अभी तक आपको समझ में आ गया होगा एक्चुअली हम ये मून का इफेक्ट देना चाह रहे थे इसलिए हमने ये अपनी नॉजल रखी हुई थी और बस गाइज अपनी थीम को कंप्लीट करने के लिए फाइनली हमें थोड़े से दो या तीन बर्ड्स उड़ते हुए ड्रॉ कर लेने हैं चॉकलेट कलर से ही एंड लुक at दिस guys हमारा पेंटिंग थीम का केक बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है guys केक काफ़ी सुंदर लग रहा है और बिल्कुल नहीं लग रहा है कि एडिबल टाइप का है बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि किसी पेज पे आपने पेंटिंग वगैरह कर दी हो तो गाइस बहुत तरीके के पेंटिंग केक आप बना सकते हैं यहाँ पे मैंने सबसे ज़्यादा बेसिक केक बना करके आपसे शेयर करने की कोशिश की है ताकि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही इसको बिल्कुल परफेक्टली बना लें तो अभी जरूर ट्राई कीजिएगा ये नए तरीके का केक बनाना डेकोरेट करना पेंटिंग केक बनाना और कमेंट करके मुझे भी बताइएगा कि ये केक आपको कैसा लगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हैप्पी कुकिंग